हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेज बायोलॉजी। मैं हूं सौरभ। आज जो आपका जो टेस्ट होता है MWF में शाम को 6 से 7, वो आज नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए जो लाइव क्लास हो रही है या जो लाइव टेस्ट होगा वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये लेक्चर मैं आपको ऑफलाइन रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ फंजाई के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस यहाँ पे करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये सिस्टम कॉमन नेम्स, देखिए फंजाई जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें फंजाई के आपको नाम दिया होगा, उसमें कॉमन नेम आपसे पूछा जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम ऐसे हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखिए सेप्रोलेग्निया, सेप्रोलेग्निया को हम लोग बोलते हैं वाटर मोल्ड। तो ये सेप्रोलेग्निया आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। राइजोपस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइजोपस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। राइजोपस को हम लोग बोलते हैं ब्रेड मोल्ड या फिर इसको बोलते हैं पिन मोल्ड, और म्यूकर को भी हम लोग बोलते हैं पिन मोल्ड। इसको हम लोग पिन मोल्ड क्यों बोलते हैं ये जरा सुन लीजिए। देखिए इसको जो राइजोपस है जो म्यूकर ना, ये हल्की जैसे आलपिन होती ना उस तरह से, ये नीचे हल्का सा पतला होता है और ऊपर उनका हेड होता है इस तरह से, इसलिए हम राइजोपस और म्यूकर को बोलते हैं पिन मोल्ड। ब्रेड मोल्ड हम लोग इसलिए बोलते हैं कि ब्रेड जो होता है, जो ऐसे आप लोगों ने देखा होगा ब्रेड पे कभी कभी हल्का सा फफून टाइप की लग जाती है, तो ये राइजोपस ही वहाँ पर आकर के ग्रो करता है, इसीलिए हम लोग राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। नंबर नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पेनिसिलियम। पेनिसिलियम को हम लोग बोलते हैं ब्लू या ग्रीन मोल्ड बोलते हैं, ब्लू मोल्ड या ग्रीन मोल्ड बोलते हैं। सेकरोमाइसिस, सेकरोमाइसिस जो होता है ये ईस्ट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा हमेशा, YEAST ईस्ट जो होता है, जो सिंगल सेल का बना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकरोमाइसिस। अब देखिए बडिंग ईस्ट या इसे बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट बोलते हैं क्योंकि देखिए ईस्ट जो होता है ना वो बेकरी में बहुत यूज़ किया जाता है, बहुत यूज़ करते हैं बेकरी में। कैसे, जैसे कि जो ये बंद होते हैं इनको बनाने के लिए होता है, ब्रेड्स बनाने के लिए होता है, और जो बिस्किट्स होते हैं इनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग इसको बेकर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। किसको, सेकरोमाइसिस सेरेविसी इसका नाम होता है पूरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है ये। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका एस्परजिलस। एस्परजिलस जो तुम्हारा ये एस्परजिलस की जो सेक्सुअल स्टेज होती है उसको हम लोग बोलते हैं यूरोसियम। ये ध्यान दीजिए, एस्परजिलस का कह सकते हैं दूसरा नाम क्या होता है यूरोसियम, या कह सकते हैं एस्परजिलस की जो सेक्सुअल स्टेज होती है उसको हम लोग बोलते हैं यूरोसियम। एस्परजिलस को हम लोग बोलते हैं ब्लैक मोल्ड, ब्लैक मोल्ड के अलावा इसको हम बोलते हैं वीड ऑफ लेबोरेटरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार आता है कि अब वो कौन सा फंजाई है जिसको हम लोग बोलते हैं वीड ऑफ लेबोरेटरी, तो एस्परजिलस होता है। एल्विगो, एल्विगो हम लोग बोलते हैं वाइट रस्ट क्योंकि एल्विगो से होता है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, इसलिए हम लोग बोलते हैं एल्विगो को वाइट रस्ट। नेक्स्ट है आपका न्यूरोस्पोरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने इंपॉर्टेंट लिखे हैं इस पर उतने कम रहेंगे। इसको इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, देखिए, और इसको बोलते हैं रेड मोल्ड या इसको बोलते हैं रेड ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ये दो नाम इतने फेमस नहीं है लेकिन ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, देखो ड्रोसोफिला तो मक्खी होती है, वो तो इसमें एनिमल में आती है। इसी तरह कहा गया है क्योंकि जितने एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला में किए गए हैं उससे भी प्लांट में भी उतने एक्सपेरिमेंट जो है लगभग वही न्यूरोस्पोरा में किए गए हैं, इसीलिए ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहते हैं, न्यूरोस्पोरा को हम लोग कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्लेविसेप्स परपुरिया एरगट फंजाई, इससे हमें एक ड्रग मिलती है एरगोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरगोटीन मिलती है। क्या होता है फंगस अभी हम लोग आगे देखेंगे, तो एरगोटीन मिलती है तो एरगट फंजाई भी हम लोग इसको कहते हैं क्लेविसेप्स परपुरिया को। नेक्स्ट है हमारा साइथस, बर्ड नेस्ट फंजाई, इसको एक नाम याद रखिए, साइथस को हम लोग कहते हैं बर्ड्स नेस्ट फंजाई। इसका मैं फिगर नहीं ला पाया हूँ आज, इसको मैं फिगर आपको दिखा दूंगा कैसा ये दिखता है। पॉइजनस मशरूम लाइक अमैनिटा आर कॉमनली नोन एज टोड स्ट्री, ये तो मैंने आपसे पूछ लिया था टेस्ट में कैसे कि कौन सा पॉइजनस मशरूम होता है, तो आप लोगों को कहा था कि टोड स्ट्रू जो होता है वो पॉइजनस होता है, इसका नाम होता है अमैनिटा, ठीक है। टूथ फंजाई कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं आप, हैं ठीक है। क्लेवेरिया जिसको हम लोग बोलते हैं कोरल फंजाई, क्लेवेरिया कोरल फंजाई ठीक है। और ट्रिमेला जो होता है इसको हम बोलते हैं जेली फंजाई, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये आप याद रखते हैं ओस्टर मशरूम, उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरोटस,
प्लूरोटस को हम लोग बोलते हैं ओयस्टर मशरूम। ओयस्टर मतलब जो है ना मोती वाला जो होता है, मोती जो बोलते हैं ओयस्टर, तो उसको बोलते हैं ओयस्टर मशरूम। जो होता है वो कौन होता है? प्लूरोटस। नेक्स्ट है ह्यूमन डिजीज। अब आप तक क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको दो चीज़ें पढ़नी होती हैं। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो होता है यूजफुल वाली एक्टिविटीज़ भी पढ़नी होगी और जो हार्मफुल है वो भी एक्टिविटीज़ आपको पढ़नी होगी, ठीक है। सब इम्पोर्टेंट वंस कैसे हैं, देखो ह्यूमन डिजीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो फंजाई जो ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एस्परजिलोसिस, एस्परजिलोसिस ये लंग्स में डिजीज़ होती है और ये करता है एस्परजिलस की कई सारी स्पीसीज, जैसे नाइगर हो गई, फ्लेवस हो गई या फिर फ्यूमीगेटस हो गई। तो एस्परजिलस नाइगर जो होता है मोस्टली जो होती है वो एस्परजिलस नाइगर ही होती है, वो करती है एस्परजिलोसिस। नेक्स्ट है रिंगवर्म, वही आप लोगों ने सुना दांत खाद खुजली वाला, तो वही भैया रिंगवर्म जो होता है वो जो आर्म्स होती है हमारी वहाँ पे हो जाता है रिंगवर्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरियम और एक होती है एपिडर्मोफाइटॉन। अभी हम लोग आगे देखेंगे, ये लिखा हुआ एपिडर्मोफाइटॉन। तीन फंजाई हैं, इनसे होती है हमारी रिंगवर्म। कौन सा होता है रिंगवर्म? तो रिंगवर्म के लिए होता है ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटॉन। ये तीन होती हैं जिनसे हमको रिंगवर्म डिजीज जो होती है वो होती है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इसमें जितने हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, न्यूराइटिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है न्यूराइटिस, इन्फेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि न्यूराइटिस होता क्या है। न्यूराइटिस एक फंगल डिजीज होती है जो आप जो हमारे नर्वस सिस्टम होती है उसमें हमारे इन्फेक्ट करता है, और ये करता कौन है? ये म्यूकर जो होता है, म्यूकर वो करता है, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर आप याद कर सकते हैं लाइपोमाइसिस और ये न्यूफॉर्मेंस। ये स्पीसीज आप छोड़ सकते हैं, लाइपोमाइसिस आप याद कर लीजिए। लाइपोमाइसिस जो होता है वो आपको मेंटल डिसऑर्डर वो करता है। ईयर इन्फेक्शन, ठीक है, ईयर इन्फेक्शन, ऑटोमाइकोसिस, एस्परजिलस फ्लेवस, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। एस्परजिलस फ्लेवस ये होता है हमारा ईयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थ्रस्ट डिजीज ऑफ थ्रोट, मोनिलिया, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें भैया देखिए एस्परजिलोसिस आपको याद रखना है, रिंगवर्म याद रखना है, न्यूराइटिस आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीन तो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सारे तीनों ये याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं, अच्छा ये एक दो स्लाइड आगे पीछे हो गई है, ये ह्यूमन डिजीज यहाँ पे आ गया है, ये कॉमन नेम ही यहाँ फिर से आ गए हैं। जैसे देखिए पेजाइजा, पेजाइजा को हम लोग बोलते हैं कप फंदाई, पेजाइजा जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग हैं कप फंदाई। मॉरकेला, मॉरकेला को बोलते हैं गुच्छी या फिर इसको बोलते हैं ट्रू मोरल, इसको बोलते हैं स्पंज मशरूम। ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बीएससी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। मॉरल्स इसको बोलते हैं गुच्छी बोलते हैं, ठीक है। पेजाइजा को बोलते हैं कप फंदाई। अस्टिलैगो को बोलते हैं स्मट, क्योंकि देखिए अस्टिलैगो जो होता है ना वो स्मट डिजीज करते हैं। ये दो डिजीज होती है, पड़ी होगी आपने रस्ट और स्मट, तो जो स्मट होती है वो अस्टिलैगो करता है, तो अस्टिलैगो को हम लोग बोलते हैं क्या? अस्टिलैगो को हम लोग बोलते हैं स्मट फंजाई। नेक्स्ट है पक्सीनिया, पक्सीनिया को हम लोग बोलते हैं रस्ट फंजाई। देखिए पक्सीनिया ग्रेमिनिस्टिड से, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट से होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पक्सीनिया को हम लोग बोलते हैं रस्ट फंजाई। अगेरिकस में क्या होता है? अगेरिकस होता है वो सब मशरूम, या इसको बोलते हैं गिल फंदाई, जो खाया जाता है ना, जो हम लोग मशरूम खाते हैं वो भैया अगेरिकस ही होता है, एडिबल होता है, उसको बोलते हैं गिल फंजाई। पॉलीपोरस, पॉलीपोरस को बोलते हैं पोर फंजाई या फिर बोलते हैं ब्रैकेट फंजाई या फिर बोलते हैं सेल्फ फंजाई। ये देखिए पॉली, ये लकड़ी पर उगने वाला फंजाई होता है और ये लकड़ी पर छेद कर देता है, इसको लोग बोलते हैं लोग पोर फंजाई भी, इसको हम लोग बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं इसको ब्रैकेट फंजाई। हाँ ये फिर से आ गई है आपकी डिजीज़ जो है, ठीक है, डिजीज़ जो है वो यहाँ पे आपकी आ गई है। देखिए अब अभी ये आपके प्लांट में डिजीज़ होने वाली है, कौन कौन सी प्लांट में कौन कौन सी हैं? रेड रॉट ऑफ शुगर केन किससे होती है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। ये आप देखिए इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत मैं आपकी ये हेल्प नहीं कर पाऊँगा, आपको ये कई बार पढ़ना होगा तभी ये आपको याद हो पाएगा, ठीक है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन जो होता है वो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम से होता है। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट सर्कोस्पोरा परसोनाटा होता है, स्पीसीज यहाँ पे नहीं लिखी हुई, सर्कोस्पोरा परसोनाटा होता है। स्टेम गॉल ऑफ कोरिएंडर
प्रोटोमाइसिस से होती है। देखिए जो इम्पोर्टेंट है मैं इस पर टिक करता हूँ आपको, वो तो हर हाल में याद ही करनी है, ठीक है। विल्ट ऑफ अरहर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, ये फ्यूजेरियम इसी से होती है, उससे होती है विल्ट ऑफ अरहर। लीफ रस्ट ऑफ कॉफ़ी, आप इसको चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। ब्लैक डिजीज ऑफ राइस पायरिकुलेरिया ओराइजी, पायरिकुलेरिया ओराइजी। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में आ भी चुकी है ये। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा होता है, ठीक है। फ्लैग स्मट ऑफ वीट चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। मेज स्मट वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑस्टिलेगो माइडिस, ये कैसे होता है, ऑस्टिलेगो माइडिस से होता है हमारा, कौन सा मेज, मेज अंदर मुख्य जो जो भुट्टा होता है उसमें होती है डिजीज। लूज स्मट ऑफ ओट, ओट होता है इसमें ऑस्टिलेगो एवेनी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्टिलेगो एवेनी से होता है लूज स्मट ऑफ ओट। कवर्ड स्मट ऑफ ओड ऑस्टिलेगो कोलेरी, चाहे तो आप छोड़ सकते हैं अभी तक नहीं पूछा गया है। कवर्ड स्मट ऑफ ज्वार ये सारगम से होता है, चाहे तो इसको भी छोड़ सकते हैं। सॉरी लीफ स्पॉट ऑफ राइस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी जो होता है वो लीफ स्पॉट ऑफ राइस होता है। कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले ऑस्टिलेगो हार्डाई, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले जो होता है वो होता है ऑस्टिलेगो हार्डाई। विप स्मट ऑफ सुगर केन ऑस्टिलेगो सिटेमिनिया, सिटेमिनिया ऑस्टिलेगो सिटेमिनिया तो छोड़ सकते हैं, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। एनिमल डिजीज में देखिए कौन सी है, देखिए एनिमल मतलब आपके भी हम लोगों ने ह्यूमन पढ़ी थी वो थी ह्यूमन डिजीज, ये कौन सी है एनिमल डिजीज। एथलीट फूट टीनिया रूब्रम, एथलीट फूड जो होता है टीनिया रूब्रम से होता है। रिंग वर्म देखिए यहाँ पे नाम लिखे हुए, तीनों नाम लिखे हुए ट्राइकोफाइटॉन माइक्रोस्पोरियम और इपीडर्मोफाइटॉन, ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं, ट्राइकोफाइटॉन माइक्रोस्पोरियम और इपीडर्मोफाइटॉन। आप मैं ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। माइको ये म्यूको माइकोसिस ये होती है म्यूकर से और राइजोपस, म्यूकर और राइजोपस से होती है म्यूकोमाइकोसिस। एस्परजिलोसिस से हो किसे होती है, एस्परजिलोसिस से होगी आपकी एस्परजिलोसिस। और पेनिसिलियोसिस किसे होगी, पेनिसिलियम से होगी आपकी पेनिसिलियोसिस, ठीक है। फिर ये कॉमन नेम आ गए, सॉरी थोड़ी स्लाइड इधर उधर हो गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम सो सॉरी। लाइकोपोडन हमने आपसे एक टेस्ट में पूछा था कि पफ बॉल किसे कहते हैं, तो पफ बॉल कहते हैं लाइको पर्डॉन को बोलते हैं, आप सिर्फ यही याद रखिए लाइको पर्डॉन क्या बोलते हैं, पफ बॉल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है लॉयर्स, लॉयर्स विग जो होता है इसको बोलते हैं कॉप्रिनस, कॉप्रिनस जो होता है उसको बोलते हैं लॉयर्स विग। अमेनिटा, अमेनिटा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं टूड स्टूल, जैसे ये कैसा होता है, ये पॉइजनस कप फंजाई होता है, पॉइजनस कप फंजाई होता है। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए बहुत बढ़िया सा रोचक तत्व आपको जानने को मिल सकता है। रोमन के एक किंग थे क्लेडियस सीरस, वास मर्डर बाई हिज वाइफ, उनकी वाइफ नहीं उनका मर्डर कर रहे थे, कैसे, गिविंग अमेनिटा एंड दस अमेनिटा इज आल्सो कॉल्ड सीजर मशरूम, इसको हम लोग सीजर मशरूम क्यों कहते हैं, सीजर मशरूम इसलिए कहते हैं क्योंकि सीजर की वाइफ ने इनको मारने के लिए इसी मशरूम का यूज़ किया था, इसीलिए हम लोग इसको सीजर मशरूम भी कहते हैं, ठीक है। हनी मशरूम आर्मिलेरिया जो होता है, आर्मिलेरिया वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं हनी मशरूम बोलते हैं, ठीक है। फैलस जो होता है वो उसको बोलते हैं स्टिंग हॉर्न, या फिर बोलते हैं डेड मैंस फिंगर, डेड मैंस फिंगर भी वो इम्पोर्टेंट है और स्टिंग हॉर्न भी इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं फैलस। हार्मफुल एक्टिविटी में प्लांट डिजीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट डिजीज आप लोग पढ़ भी चुके हैं। ब्लैक वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम से होती है हमारी, कौन सी, ब्लैक वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर किसे होती है, एल्बिगो कैनाइडा, एल्बिगो कैनाइडा की सेक्सुअल स्टेज जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं, जो सेक्सुअल स्टेज होती है इसको बोलते हैं सिस्टोपस कैंडिडस। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टॉन भैया वेरी इंपॉर्टेंट होती है, उसे फेमस फेमाइन भी से जुड़ा हुआ है आयरलैंड में, आयरलैंड में 1845 में यही फंजाई जो है वो अकाल ला दिया था, इससे बहुत लोगों की जो है वो डेथ भी
हो गई थी, बहुत लाखों लोग मारे गए थे भूख से ही, क्योंकि आयरलैंड में आलू ही जो होता है वहाँ पे बहुत उनका खाने का ही है। आलू ही वो बेच के दूसरी फसल लेते हैं, दूसरा खाना वो लोग खाते हैं। तो जब उनका आलू ही ख़राब हो गया तो वे लोग भूखे मर गए थे 1845 में। इसको हम लोग बोलते हैं आयरलैंड फेमाइन, या इसको बोलते हैं फेमस फेमाइन ऑफ आयरलैंड, ठीक है। ये ईयर भी आप लोग याद रखेंगे 1845 में होता है, और किससे था, पाइरोथोरा इन्फेस्टॉन से था, ठीक है। फिर लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टॉन्स, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो, आ से अर्ली, आ से अल्टरनारिया सोले नाई, वेरी इंपॉर्टेंट है अल्टरनारिया सोले, ये एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है, कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो किससे होता है, तो अल्टरनारिया सोले नाई से होता है। पाउडरी माइल्ड्यू इरासिफे से होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। डाउनी डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग पाइथियम डिबेरियनम होती है, उससे होता है, पाइथियम डिबेरियनम से होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लूज स्मट ऑफ वीट, तो अस्टिलेगो ट्रिटिसाइज होता है, उससे होता है। और ब्लैक इस ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाइज से होता है। एप्पल स्क्रैप जो, एप्पल स्कैप जो होता है वो वेंटूरिया से होता है। और डाउनी माइल्ड ये इंपॉर्टेंट होता है, पिरेनोस्पोरा से होता है, ठीक है। ओके, तो ये स्लाइड्स इतनी कंप्लीट होती हैं। इसमें देखिए हम लोगों ने प्लांट डिजीज़ के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, प्लांट डिजीज़ के बारे में हो गई हैं, और जो कॉमन नेम है वो हो चुके हैं। एनिमल डिजीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, और यहाँ पे ह्यूमन डिजीज़ के बारे में हम लोगों ने भी पढ़ लिया है, और जो कॉमन नेम्स थे उनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, कॉमन नेम फंदे के कौन कौन से हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरा, क्योंकि इसमें काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं इससे क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली एग्जामिनर जो होता है वो क्वेश्चंस जो जब देता है ना, तो कॉमन नेम ना लिख करके, जो जो उसका मेन नेम होता है उसको ना लिख के, जो उसका कॉमन नेम होता है वो लिखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर उसको एस्परजिलस लिखना हुआ ना, तो वो ब्लैक मोल्ड लिखेगा, एस्परजिलस नहीं लिखेगा। हो सकता है वीड ऑफ लेबोरेटरी लिख दें, बट वो एस्परजिलस लिखने से थोड़ा सा बचेगा जरूर, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, और उम्मीद करूँगा कि सारा जितना भी है आप लोग वो याद कर लेंगे। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।